इंडक्शन। वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अपने कल पढ़ा था डाइहैलोजन के प्रकार, विश डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड और पॉलीमेथिलीन हैलाइड, तीनों प्रकारों के बनाने की विधियां। अब अपने बात करते हैं तीनों जो प्रकार हैं उनके रासायनिक गुण। हाँ, भौतिक गुण इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आएंगे एग्जाम में, फिर भी बता देता हूँ। डाइहैलाइड क्या होते हैं? रंगहीन, जल में अघुलनशील, और कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? घुलनशील, लिक्विड होते हैं और मीठी मीठी स्मेल आती है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं डाइहैलोजन व्युत्पन्न के रासायनिक गुण। सबसे पहला रासायनिक गुण लेते हैं जल अपघटन। यहां से बहुत बेसिक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जल अपघटन होता है वो किसके द्वारा होता है? जलीय KOH के द्वारा। और जलीय KOH का बेसिक मैंने तुम्हें बताया था, एक बेसिक है, ध्यान से सुन लो आप। अगर जलीय KOH होना तो अभिक्रिया होती है प्रतिस्थापन, जिसने मेरे पहले वाले पार्ट देखे उनको पता है। ठीक है, अगर अल्कोहलिक लिया है ना अपनों, अल्कोहलिक KOH, तो वहां पे अभिक्रिया होती है विलोपन। आगे बात समझ में? यदि अपने जलीय KOH ले तो अभिक्रिया होती है प्रतिस्थापन। कौन सी प्रतिस्थापन? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अगर अल्कोहलिक KOH लेना तो विलोपन। अगर आपके पास केमिस्ट्री है, चाहे आप BSc में हो, +2 में हो या +1 में हो, तो ये पार्ट आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। जलीय KOH तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अल्कोहलिक KOH तो विलोपन अभिक्रिया। अब अपने बात आते हैं जल अपघटन पर। जलीय KOH, सबसे पहले जल अपघटन अपने दो का है तुम्हारे सिलेबस में, एक तो जेम डाइहैलाइड का जल अपघटन एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, दूसरा है आपके विश डाइहैलाइड का जल अपघटन। दोनों को साथ में करा रहा हूं, कंपेरिजन कर सको आप। ठीक है, सबसे पहले देखो जेम डाइहैलाइड क्या होता है। यदि दो हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो तो उसको अपने क्या कहते हैं? जेम डाइहैलाइड। तो अपने देखो इधर इधर लिखेंगे, अपने इधर की तरफ आ जाएगा CH3, इधर की तरफ आ जाएगा C, एक क्लोरीन आ जाएगा इधर, एक क्लोरीन आ जाएगा इधर। इधर वैलेंसी पूरी कर लेंगे, कार्बन के चार हाथ होते हैं, प्लस में जितने क्लोरीन उतने KOH, सीधा सा बेसिक है भाई। न्यूक्लियर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी तो ये वाला OH उधर चला जाएगा, Cl इधर, तो कितने क्लोरीन है? तो KOH कितने लूंगा मैं? जलीय KOH ले रहा हूं भाई साहब, ध्यान रखना। इधर की तरफ आ जाएगा KOH, क्या बनेगा बताओ? हाँ भाई, क्या बनेगा? जगह ही नहीं है विश डाइहैलाइड को, बाद में लिखेंगे, एक बार पहले जेम डाइहैलाइड क्लियर कर लेते हैं। देखो क्या लिखो बताओ, इधर की तरफ आ गया क्या समझ में? OH जुड़ जाएगा, इधर क्या बन गया अपने पास? CH3, इधर की तरफ क्या आ जाएगा? CH, एक OH इधर की तरफ, दूसरा OH आ जाएगा इधर की तरफ। इसको बोलते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल, परंतु ये बहुत खतरनाक बेसिक है, इसमें वो देखना। ये होता है भाई साहब अस्थाई। क्यों होता है? इसका रीजन देखो आप, क्योंकि यदि किसी एक कार्बन परमाणु पर दो OH उपस्थित हो तो, एक ही कार्बन परमाणु पर, तो वे यौगिक जल का आसानी से त्याग कर देते हैं और अस्थाई होते हैं। आगे क्या बात समझ में? तो ये जल का त्याग कर देंगे, इधर से एक H और दूसरा आ जाएगा इधर की तरफ OH। ठीक है, इधर से OH माइनस, कार्बन प्लस, ये H प्लस OH, O माइनस,
ऐसे देख लो, वरना देखो इसकी एक OH गया, इधर से एक O गया, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों वैलेंसी खाली होगी, क्या बन जाएगा अपने पास बताओ? हबी, क्या बन गया इधर? CH3, आगे क्या जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और इधर की तरफ क्या जाएगा? H। इसको अपने क्या बोलते हैं, क्या बना भाई? एथेनिल। एथेनिल हबी। चले नेक्स्ट, यहां पे अगर मैं लूं क्लोरीन को सिरे वाले कार्बन पे, तब बनता है एल्डिहाइड। अगर मैं बीच वाले कार्बन पे लूं, कहने का मतलब 2 डिग्री कार्बन एटम पे दोनों क्लोरीन को, तो बनता है कीटोन। देखो अपने उदाहरण से देखते हैं, देखोगे अगर मैं यहां पे जेम डाइहैलाइड में क्लोरीन ले लूं बीच वाले कार्बन पर, याद है अब तुमने जेम डाइहैलाइड किया था, इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपिलीडीन। अब प्लस में जलीय के OH मुझे कितने लेने पड़ेंगे, कितने क्लोरीन है अपने पास? 2 है, तो KOH भी कितने लेंगे? 2। क्या निकल गया भाई साहब? हार इधर की तरफ आ जाएगा KCl, और एक इधर की तरफ आ जाएगा KCl। एक OH जुड़ जाएगा इधर, दूसरा OH जुड़ जाएगा इधर। बताओ क्या बन गया अपने पास? हाँ भाई, क्या बन गया इधर? CH3, इधर की तरफ आ जाएगा COH, इधर की तरफ आ जाएगा OH, और इधर क्या आ जाएगा? CH3। और वो आ गया अपना बेसिक, एक ही कार्बन पर 2 OH समूह उपस्थित हो तो क्या हो जाएगा? पानी बाहर निकल जाएगा, वो ऐसा ही होता है, इधर की तरफ निकल गया पानी बाहर। तो एक कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में, क्या आ जाएगा? और क्योंकि ये क्या होता है? अस्थाई। अब आगे देखो अपने पास, इधर क्या बन जाएगा? CH3, सी डबल बॉन्ड हो, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? CH3। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेनोन। क्या नाम है इसका? प्रोपेनोन। और वैसे क्या बोलते हैं इसको? एसीटोन। अब अपनों ने दोनों अभिक्रियाएं की है, यहां से एक बेसिक निकलता है, जेम डाइहैलाइड का जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड तथा कीटोन बनते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जेम डाइहैलाइड का जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड तथा कीटोन बनते हैं। अगर सिरे वाले फर्स्ट या लास्ट कार्बन पे दोनों हैलोजन परमाणु अगर अपने जोड़े कार्बन पे, तो एल्डिहाइड बनता है। 2 डिग्री कार्बन एटम पे अगर अपने दोनों हैलोजन परमाणु जोड़े, तो क्या बनता है? कीटोन। आगे बात समझ में, इधर लिख लेना ये कौन सा KOH है? जलीय है। इधर की तरफ क्या लिख देंगे? जलीय है, ये ध्यान रखना भाई, ये जलीय KOH है। इधर भी ये कौन सा KOH है? ये है भाई साहब जलीय KOH। और इधर की तरफ ये कौन सा KOH है? जलीय, ध्यान रखना जलीय प्रतिस्थापन, ठीक है। ये इधर क्लोरीन हट गया और OH जुड़ गया CL इधर की तरफ। अब इधर से बाहर क्या निकल गया? कितने KCl बाहर निकले इधर? 2 KCl लिख देता हूँ कंप्लीट में यहाँ पे। और इधर देखो कितने बाहर निकले? -2 KCl, ठीक है। और इधर क्या बाहर निकल गया? -H2O। इधर की तरफ क्या निकल गया? -H2O रिमूवल हो गया। अब पूरा कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, ठीक है। आगे अपने बात करते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया, जेम डाइहैलाइड का जल अपघटन है। अब बात करते हैं विष डाइहैलाइड का जल अपघटन, क्या होता है विष डाइहैलाइड? पीछे वाले वीडियो देखे होंगे आपने, अगर दो पड़ोसी कार्बन परमाणु पर, दो नियरेस्ट निकटस्थ कार्बन परमाणु पर क्या उपस्थित हो? हैलोजन परमाणु उपस्थित हो, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? विष डाइहैलाइड। तो अब अपने किसका जल अपघटन करेंगे? विष डाइहैलाइड का। क्या होता है विष डाइहैलाइड, ठीक है? दो निकस्त कार्बन परमाणु पे क्या उपस्थित हो? हैलोजन परमाणु, उसका अपने करेंगे जल अपघटन। और जल अपघटन किसकी उपस्थित, किसके द्वारा होता है? जलीय KOH। देखो भाई, एक मैंने इधर ले लिया CH2, इधर की तरफ आ जाएगा CL, इधर की तरफ आ जाएगा CH2, इधर की तरफ आ जाएगा CL। दो क्लोरीन है, KOH कितने लेने पड़ेंगे अपने को? 2। एक KOH इधर की तरफ, एक KOH इधर,
इधर से क्या बाहर निकल जाएगा KCl और इधर से क्या बाहर निकल जाएगा KCl, ये OH जुड़ जाएगा इधर, ये OH जुड़ जाएगा इधर, क्या बन गया अपने पास हबी CH2, इधर की तरफ क्या जाएगा OH, फिर इधर की तरफ क्या जाएगा CH2 और फिर इधर की तरफ क्या जाएगा OH। ध्यान रखना है ये KOH कौन से हैं, जलीय, रिप्रेजेंट कर देना ये जलीय KOH है, ठीक है। अब अपने बाहर क्या निकला बताओ प्लस में, हबी प्लस में क्या बाहर निकला प्लस 2, इधर की तरफ क्या जाएगा KCl, हबी समझ में आ गया, अंडरस्टूड। इसको क्या बोलते हैं, एक OH होता है अल्कोहल, दो OH उपस्थित होते हैं वो भी निकस कार्बन पे, पास वाले कार्बन परमाणु पे, उसको अपने क्या बोलते हैं ग्लाइकोल। क्या नाम हो जाएगा इसका, एक सामान्य नाम है, बहुत पॉपुलर नेम है, वो बताओ क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका, एथेन 1,2-diol। चले नेक्स्ट अभिक्रिया, जल अपघटन दो है आपके सिलेबस में, एक तो जेम डाइहैलाइड का, दूसरा है विश डाइहैलाइड का। जेम डाइहैलाइड में किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का। अगर विश डाइहैलाइड का जल अपघटन करते हैं तो किसका निर्माण होता है, हबी ग्लाइकोल का। चले नेक्स्ट, चलो भाई नेक्स्ट अपने करते हैं, नेक्स्ट रासायनिक गुण वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। नाम से पता लग रहा है क्या करना है अपने को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वी माने हटना, हाइड्रो माने हाइड्रोजन, हेलो मतलब हेलोजन, क्या हो जाएगा वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, अगर हाइड्रोजन हेलोजन का वी मतलब हटना, विलोपन होता है, तो उसको अपनी कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी पहले, विलोपन अभिक्रिया, याद है क्या, क्या लेते हैं विलोपन अभिक्रिया में, बताया था सुबह सुबह आते ही अभी, क्या लेते हैं अपने, हाँ भाई विलोपन अभिक्रिया में लेते हैं एल्कोहलिक KOH। हाँ भाई अब लेते हैं अपने उदाहरण, दो नंबर रासायनिक गुण है अपना, सबसे पहले करते हैं जेम डाइहैलाइड का, जेम डाइहैलाइड का वी हाइड्रो हेलोजनीकरण करेंगे, उदाहरण ले लेंगे CH3CH, एक क्लोरीन आ जाएगा इधर, एक क्लोरीन आ जाएगा इधर। परंतु अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो आप कहोगे सर रट्टा लगा रहे हैं, थोड़ी संरचना से समझते हैं ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। तो अपने इधर लिख देंगे H, चार हाथ होते हैं कार्बन के, हाँ भाई C इधर की तरफ आ जाएगा Cl, एक Cl आ जाएगा नीचे और एक H आ जाएगा इधर। अब मुझे कराना है क्या, प्लस में क्या लेना है, एल्को डॉट लगा दो, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो आप, इधर की तरफ आ जाएगा KOH। अब देखो आपको पता होगा इसमें क्या होता है, हाइड्रो नाम देखो, वी माने हो गया हटना, हाइड्रो और हेलोजन, और पहले वाला बेसिक भी यहां पे यूज कर सकते हो, बीटा विलोपन, नाम बताया था ना, बीटा कार्बन का हेलोजन भी उत्पन्न होता है, विलोपित होता है, जैसे ये हो गया अल्फा और ये क्या हो जाएगा बीटा, फिर दूसरी बार इसको मान लेंगे अल्फा और ये क्या हो जाएगा बीटा, तो बीटा विलोपन हो गया, यहाँ पे क्या बना अपने पास, के साथ के जुड़ जाएगा Cl के साथ, OH के साथ कौन जुड़ जाएगा H प्लस, OH माइनस Cl माइनस K प्लस, क्या बना अपने पास बताओ C, इधर की तरफ आ जाएगा H, फिर इधर क्या आ जाएगा अपने पास एक H, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इधर की तरफ क्या आ जाएगा Cl और इधर की तरफ क्या आ जाएगा H, ठीक है। K कर लेगा Cl से अभिक्रिया, अपने पास क्या बन जाएगा KCl, H कर लेगा OH से अभिक्रिया, अपने पास क्या बन जाएगा H2O। बोलो भाई समझ में आ गया, HCl बाहर निकल गया, H करेगा OH से अभिक्रिया, क्लोरीन करेगा K से अभिक्रिया। अभी इसका एक ही हेलोजन विलोपित किया है, जब तक हेलोजन से अभिक्रिया आपने कराते रहेंगे एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया, जब तक इसकी दोनों क्लोरीन विलोपित न कर दें, तो अपने एक बार और विलोपित करेंगे, इधर ले लेंगे एल्कोहलिक KOH एक बार और,
इधर से क्या आ जाएगा HCl। आगे बात समझ में, K कर लेगा Cl से अभिक्रिया, H कर लेगा OHC, क्या बन जाएगा अपने पास, इधर देखो CH, फिर इधर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड CH। आगे बात समझ में, डबल बॉन्ड था अब HCl निकल गया इधर की तरफ, अब H किससे अभिक्रिया करेगा OH से, Cl किससे अभिक्रिया करेगा K से, पहले की तरह प्लस में क्या बार निकल जाएगा KCl, और प्लस में क्या आ जाएगा H2O। यहाँ तक बोलो समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम? हबी, तो अपने पास इधर क्या बन गया, हबी, अपने पास इधर बन गया इथाइल। अभिक्रिया को पढ़ने के बाद में, करने के बाद में एक बात समझ में आती है, अगर जेम डाइहैलाइड का भी हाइड्रोहैलोजनीकरण किया जाए तो एल्काइन का निर्माण होता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चले अपने नेक्स्ट करते हैं। विष डाइहैलाइड का वी हाइड्रोहैलोजनीकरण, क्या होता है विष डाइहैलाइड, दो निकृष्ट कार्बन परमाणु पर हैलोजन उपस्थित हो तो अपने उसको क्या बोलते हैं, विष डाइहैलाइड। और अपने को करना है वी हाइड्रोहैलोजनीकरण, विलोपन कौन सी और किसकी प्रेजेंस में होगी, अल्कोहलिक KOH। तो थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, एच इधर की तरफ आ जाएगा, एच नीचे क्या लिख दिया Cl, लिखने का तरीका ध्यान रखना, एक बार Cl ऊपर एक बार नीचे, HCl दिख गए क्या आपको, हाँ भाई जैसे जेम में दिखे थे, एक बार HCl ये बार निकल जाएगा, एक बार ऊपर वाला, एक बार ये अल्फा हो जाएगा, फिर दूसरी बार ये, देखो भाई क्या हो जाएगा, किसके साथ करते हैं अभिक्रिया, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, क्या बनेगा बताओ, इधर से पहले ये ले आइए, कोई से बाहर निकाल दो, इधर से HCl, H करेगा किसके साथ अभिक्रिया OH के साथ, Cl किससे करेगा K के साथ, क्या बन जाएगा अपने पास, पहले C इधर की तरफ आ जाएगा, H इधर की तरफ आ जाएगा, H दूसरा आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर की तरफ आ जाएगा CH, और ऊपर क्या आ जाएगा क्लोरीन। आगे बात समझ में, प्लस में बाहर क्या निकला KCl, और प्लस में क्या आ जाएगा H2O। एक बार और कराएंगे इसकी अभिक्रिया, हबी किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो K किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा Cl के साथ, OH के साथ कौन कर लेगा H, HCl बाहर निकल गया इधर से, H प्लस OH माइनस K प्लस Cl माइनस, और इधर से क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड से क्या बन गया बताओ भाई CH, ट्रिपल बॉन्ड इधर की तरफ क्या आ जाएगा CH। यहां से एक बेसिक पता लग रहा है अपने को, प्लस में क्या आएगा बताओ, प्लस में आ जाएगा KCl, और प्लस में क्या आ जाएगा H2। यहां से एक बेसिक पता लग रहा है, वी हाइड्रोहैलोजनीकरण विष डाइहैलाइड का करने पर भी क्या बनता है अपने पास, एथाइन। आगे बात समझ में, एनी प्रॉब्लम, इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, इसी अभिक्रिया को शॉर्ट में लिख दो, कैसे, ये तो चलो हार्ड वाला हो गया समझ में, वैसे समझने के लिए CH2 इधर की तरफ Cl, इधर की तरफ CH2, इधर की तरफ क्या आ जाएगा Cl, हाँ भी कितने आ जाएंगे अल्कोहलिक KOH, कितने ले लेंगे अपने पास दो, इसको मैं रिपीट लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ऐसे लिख सकते हो 2KOH, 2KCl, और इधर से 2H, क्या बन गया CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, प्लस में क्या बाहर निकला 2KCl, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा 2H2O, ऊपर वाली रिएक्शन है शॉर्ट में लिखी है मैंने। ठीक है, आगे बात समझ में, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है 2KCl बाहर निकल गए, और इधर की तरफ दो हाइड्रोजन है OH से जुड़ जाएंगे, क्या बन गया 2H2O, एनी प्रॉब्लम? तो अपने को यहाँ पे दो बेसिक पता लगा, एक तो जेम डाइहैलाइड का वी हाइड्रोहैलोजनीकरण करने पर एल्काइन बनता है, और विष डाइहैलाइड का भी वी हाइड्रोहैलोजनीकरण करने पर एल्काइन बनता है। ओके, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।